गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। टुडेस वीडियो इज ऑन हेयर रीग्रोथ। रीग्रोथ मतलब जिन लोगों के बाल किन्हीं कारणों के कारण बालों की जो ग्रोथ है कई जगह से सिर के कई हिस्सों पर कम हो गई है, मींस आगे से बाल कम हो गए हैं, यहाँ पर पैचेस पड़ने शुरू हो गए, कईयों के जेंट्स के यहाँ पर इस जगह पर बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है या आगे से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, कईयों के यहां से उड़ने शुरू हो जाते हैं। लेडीज को जो कलर लगाती हैं उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है, पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं सिर पे। तो हम किस तरह से अपने बालों की रीग्रोथ को दोबारा से लेकर आ सकते हैं, दोबारा से उस जगह पर बालों को रीग्रो कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, कई लेडीज को ये प्रॉब्लम, गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है, यहां से उनके जो आईब्रोज होते हैं कईयों के आगे से ग्रोथ कम होती है, बीच में से ग्रोथ कम होती है, मींस प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, एंड यू वांट फुलर एंड थिकर आईब्रोज, तो वो लोग भी ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हो, मैं गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। दूसरा आपको लेनी है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, घर में आपको इजिली मिल जाएगी ब्लैक पेपर जिसको आप बोलते हो, काली मिर्च। एक हमें चाहिए एक कांच का कंटेनर जिसमें हमने इसको स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले आपने ऑलिव ऑयल ले लेना है किसी बाउल में। अगर आप 3 स्पून्स ऑलिव ऑयल के ले रहे हो, 3 चम्मच मैंने इस ऑलिव ऑयल के इसमें डाल लिए हैं, तो आपने इसमें 1 स्पून इस ब्लैक पेपर का डाल देना, मींस 3 स्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड 1 स्पून ऑफ ब्लैक पेपर डालकर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम डाल देंगे इस कांच के कंटेनर में, कोई भी एयर टाइट कांच का कंटेनर जो भी आपके घर में हो। आपने इस ऑयल को इसमें डालकर फॉर 5 डेज इसको इस एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। आफ्टर 5 डेज क्या होगा, जो आपका जो ऑयल है उसकी सारी ऑयल और ब्लैक पेपर की प्रॉपर्टीज एक दूसरे में इन्फ्यूज्ड हो जाएंगी। जो ऑलिव ऑयल होता है, इट इज द बेस्ट ऑयल फॉर रीग्रोथ योर हेयर। इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो आपके बालों के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं जहां पर हमारी ग्रोथ कम है। दूसरा, जो ब्लैक पेपर होता है इसमें इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जो हमारी हेयर रीग्रोथ के लिए एक मैजिकल बूम का काम करते हैं, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट फॉर योर हेयर रीग्रोथ। तो आपने 5 डेज के बाद इस ऑयल को लेना है और इस ऑयल को आपने बस एज इट इज ही आपने इसको यूज करना है, जैसे हम नॉर्मल ऑयल यूज करते हैं आपने इसको लेना है। और अगर आप अपने बालों की रीग्रोथ करना चाहते हो, आपने अपने बालों पर जेंटली इसको स्कैल्प पे लगाकर मसाज कर लेनी है, या फिर अगर आप अपने आईब्रोज को रीग्रो करना चाहते हो इस तरह से अपने आईब्रोज पर हल्का हल्का लगाकर इसको लगाकर छोड़ देना है। और इसको लगा लेने के बाद फॉर 30 मिनट्स आपने इसको एज इट इज ही लगाकर रखना है। 30 मिनट के बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी से इसको निकालिए, उसके बाद अपने शैम्पू से यू कैन वॉश रिंग्स ऑफ योर हेयर, यू कैन वॉश योर आईब्रोज। आईब्रोज के ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आईब्रोज को तो आप 30 मिनट्स के बाद नॉर्मल वाटर से धोकर क्लीन कर लीजिए। दिस वॉज द इजिएस्ट वे किस तरह से अपने बालों को रीग्रो कर सकते हो, अपने बैड पैचेस जो गंजेपन कईयों को होना शुरू हो जाता है, तो वो अपनी गंजेपन को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव रेमेडीज है, 2-3 टाइम्स करने के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। हफ्ते में एक बार ये चीज आप कर सकते हो, वीक में 1 टाइम यू कैन यूज दिस। सो दिस वॉज माई होल वीडियो ऑन हेयर रीग्रोथ, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए फॉर नोटिफिकेशन, एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज ऑल्सो। बाय बाय, लव यू ऑल।